الصياد هيقولك ايه؟ سوبر العقرب مالك بيه يا مصر؟ دكتور العميش في حماتي جنس كريبا كوم موطر بران كابلين نمت نكرا أهم يوغان براهاته سيما دي بادبيسي سيما دي بادبيسي أيضا سنفران أدريني أجران سنكوشي شمباي أولي سنسرك سنشي بانداي يزن بيكين بيجنا بعض تفسير السلسلة ما حدش يسأل جنة وبصير كوكب بعضي أنا عبكو بوران للنسوس كار لو ساعدني جيبان لهين स्वाभाविक रूप से सुबह से शाम तक अनेक प्रकार के आयोजनों में हिस्सा बनने का अवसर मिलता ही है, लेकिन जीवन में ऐसे विभिन्न अवसर होते हैं जब इस प्रकार के कार्यक्रम में आने का मौका होता है। मुझे मालूम भी नहीं था जी ने मुझे बताया कि वो इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। तो राजवीर जी ने कहा इसलिए मैं आने के लिए विवश हुआ, लेकिन जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि अगर मैं नहीं आता तो आज के इस आनंददायक और प्रेरणादायक कार्यक्रम से वंचित हो जाता। और इसलिए मुझे देखकर आप सबके बीच में आना अच्छा लगा। हम सबके लिए यह सौभाग्य का विषय हो, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यूं तो 1947 में देश को आजादी मिली और देश को अनेक प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व प्राप्त हुआ। सबके अपने अपने काम करने की पद्धति थी, सबके अपने व्यक्तित्व और कृतित्व थे। और उन्होंने अपने कृतित्व से देश को प्रगति करने की बस कोशिश की, लेकिन आज जिन परिस्थितियों में हम हैं उन परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वह देश के अब तक के नेतृत्व में सबसे ताकतवर और विजनरी नेतृत्व तो हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। जब नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात करने को प्रारंभ किया तो सब लोगों को ऐसा लगा था कि यह कार्यक्रम कैसे प्रभावदायक होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं। उनकी व्यक्तित्व की ऊंचाइयों का आकलन करना मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन बात है और इससे तरह तरह की टिप्पणियां इस कार्यक्रम के पीछे थी, लेकिन मोदी जी इस बात को जानते थे
140 करोड़ देश का प्रतिनिधि हूं मैं, तो सभी देशवासियों को भिन्न भिन्न कार्यक्रमों से जोड़े रखा यह भी मेरा कदम कर्तव्य है। साथ ही उनके मन में यह बात भी रही कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए व्यक्ति से सिर्फ कुछ न कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा बनी रहती, कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, कोई मेरी सड़क बना देगा, स्कूल बना देगा, कॉलेज बना देगा, बस स्टैंड बना देगा, सामान्य तौर पर राजनीति से किसी प्रकार की अपेक्षा होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भिन्न प्रकार के प्रधानमंत्री से भोले देश के, और उनकी भिन्नता सिर्फ लोगों से उनको अलग बनाती है, और उसमें मन की बात जैसे कार्यक्रमों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हर वहां बिना किसी स्वार्थ के करोड़ों देशवासियों से संवाद करना यह एक तौर से दूसरा नागरिक था। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब तक हम सब बात को अच्छी बात ही जानते हैं, रेडियो आकाशवाणी का क्रेज एकदम कमजोर हो गया था, क्योंकि डीजे आ गया था, आधुनिक मोबाइल आ गए थे, तो जो कुछ देखा है सुना है तो उसके लिए पर्याप्त व्यक्तियों के पास साधन थे, और इसलिए जिनके रेडियो काम भी उन्होंने भी बंद करके रख दिया। लेकिन जैसे ही मन की बात प्रारंभ हुई, ट्रांजिस्टर की बिक्री बढ़ गई, रेडियो का उपयोग बढ़ गया, और आनंद से देखते हैं कि खेत हल चलाते हुए भी किसान थोड़े देर के लिए रुका है, और उसे लगता है कि रविवार है, 11 बजे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा, तो आपने देखा है ये उद्बोधन मुझे सुनना ही चाहिए। पहले लोगों को सामान्य तौर पर इस कला की अपेक्षा रही होगी कि प्रधानमंत्री जी आकाशवाणी को भाषण देंगे, और वो भाषण जो है उनका अपने हित के लिए, अपनी पार्टी के हित के लिए, चुनाव के लिए, अवतरण प्रचार के लिए होगा, ऐसा ही सामान्य तौर पर लोगों की धारणा। लेकिन एकाएक लोगों को लगा कि मैं तो सोच ही नहीं सकता था प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम ले लिया, मेरे इससे अच्छे कार्यों का उल्लेख कर दिया, यह तो उसके लिए कल्पना से बचे थे। और आप सबने अनुभव किया होगा कि देवास में किसानी करने वाला कोई उन्नत किसान, छावों में हमारी कोई लोक निर्देशना, पश्चिम बंगाल में कोई हमारा दिव्यांग भाई और बहन, देश का कोई अच्छा खिलाड़ी, देश का कोई अच्छा विद्यार्थी, देश की कोई उल्लेख करने योग्य बहन बेटी, जब इस प्रकार का उल्लेख मन की बात में होने लगा तो
प्रधानमंत्री जी के मन की बात यह प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों के लिए। और इसलिए दिनों दिन सुनने वालों की संख्या बढ़ रही है। आम सब लोगों से जब इस कार्यक्रम के निमित्त 24 घंटे इसको संपन्न करने के लिए आप लोग योगदान भी कर रहे हैं और आप लोग रुचि भी ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मन की बात भी आज सब लोग कभी कभी तो सुनते ही होंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसकी कितनी विशेषताएं आप तक पहुंची। मैं राजनीतिक दल का अधिकारी करता हूँ, मेरी पार्टी के सबसे शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी मन की बात में बोलते हैं, लेकिन आप पूरे 100 एपिसोड उठाकर देखो, एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक राजनीतिक व्यक्ति, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति होने के बाद भी रविवार के दिन जब 40 मिनट का उनका मन की बात का वक्तव्य होता है, तो आप इससे खारिज भी देखेंगे तो आपको राजनीति दिखाई नहीं देगी, आपको पार्टी दिखाई नहीं देगी, आपको प्रचार दिखाई नहीं देगा और आपको किसी प्रकार का स्वार्थ दिखाई नहीं देगा। नहीं तो आप देखेंगे कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को बुलवाओ तो चर्चा की बात करने के बाद वो आ ही जाता है कि मेरी पार्टी ने ऐसा किया और फलाना पार्टी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन मोदी जी के मन की बात देखेंगे तो ऐसा कहीं भी आपको राजनीति दिखाई नहीं देगी। इतना लंबा एक राजनीतिक व्यक्ति का व्याख्यान और व्याख्यान की श्रृंखला पूरी तरह गैर राजनीतिक हो और देश भावना से ओतप्रोत हो, यह अपने आप में असंभव काम है, लेकिन मोदी जी के व्यक्तित्व ने इसको संभव करके दिखाया है। यह हम सब लोगों के लिए ईश्वर के द्वारा और जब अंदर स्वार्थ नहीं होता तो अंदर संकल्प होता है और स्वार्थ विहीन हृदय में जो संकल्प होता है वो संकल्प बहुत मजबूत होता है, उस संकल्प की दृष्टि बहुत पहली होती है, उस संकल्प की दृष्टि बहुत दूर तक होती है और वह संकल्प अपने लिए नहीं औरों के लिए होता है, और जब संकल्प औरों के लिए होता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी जैसा राजनेता हम लोगों को राजनीति में दिखाई देता है। आज नरेंद्र मोदी जी को अगर आप देखेंगे तो लगभग 9 वर्ष हो गए उनको प्रधानमंत्री बन रहे, आप अपने किसी भी अखबार में आज तक नहीं पढ़ा होगा 9 वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने एक दिन की भी छुट्टी ली हो, चाहे शनिवार हो, रविवार हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, कभी आपने सुना? नहीं, नो सर, नो। दीपावली और होली का त्योहार भी प्रधानमंत्री जी सीमा पर जाकर
सेना के जवानों के साथ मनाते हैं सारा देश इंसान। यह बात देश और इंडिया करती है कि प्रधानमंत्री जी के बयान तक मैं नहीं सारा देश और काम पूरे समय काम कर देश के लिए सोचा देश की छोटी छोटी चीजों पर गर्व अनुभव करना यह नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में देश को सिखाने का काम किया। आप सब अनुभव कर रहे होंगे जब मन की बात है हमारे आसपास रहने वाला ही कोई ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को शायद हम भी नहीं जानते और जानते हैं तो हमने भी उसको कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में अगर उसे स्थान दिया तो आप सोचिए नरेंद्र मोदी जी के 2 साल उसके जीवन स्तर में कैसा बदलाव लाने वाले हो। मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल की बात कही, मेरे जीवन देश पैदा होता है लेकिन मेरे लिए देश की कीमत नहीं, लेकिन लोकल के लिए वोकल हो यही जो है हमारी आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाएगा। इस अभियान को जब उन्होंने हाथ में लिया और मन की बात में लिया तो बेर की खेती बढ़ गई, बेर की खपत बढ़ गई, रोजगार के अवसर सृजित हो गए, स्टार्टअप आ गए और छोटी से छोटी जो फसल हमने उत्पादित होती थी जिसको हम सामान्य तौर पर ही महाराष्ट्र से लेते थे उसको अच्छा हिस्सा मिल गया और लोगों को रोजगार के अवसर सृजित हो गए। ऐसे अनेक उदाहरण में ले सकता हूँ आप सब लोग। कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर सेवा का काम कर रहा है, एक बार मुझे ध्यान आया कि मोदी जी ने एक व्यक्ति का उल्लेख किया, वो व्यक्ति पश्चिम बंगाल का था, उसकी माँ अस्पताल जाते जाते जाने का साधन नहीं मिला, बीच में मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो बहुत दुख हुआ, उसे लगा कि अगर आज पास का वोट होता ना देता गाड़ी होती और मैं समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाता तो शायद, लेकिन उस सामान्य मजदूर ने संकल्प लिया कि मेरी माँ तो मर गई लेकिन आप इस कारण से किसी और की माँ ना मरे मैं इसके लिए काम करूंगा। और उसने अपने मोटरसाइकिल खरीदी, उस पर अच्छा सा कैरियर बनाया, लोग उसे फोन करते थे कि भाई ऐसी स्थिति है, फौरन आता था उस माता को उसको पीठ पर बांधता था, सीधा अस्पताल ले जाता था, उसको एम्बुलेंस कहकर लोग पकड़ते थे। अब सामान्य तौर पर लोग क्या सोचे होंगे मालूम नहीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति इस बात को बोले करना है तो समझो छोटे से मजदूर की छाती कितनी चौड़ी हो जाती है। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने देसी चीजों के प्रति प्रोत्साहित कर करके जो गर्व का अनुभव करने की सीख मन की बात के माध्यम से डाली, उससे आज परिणाम यह हुआ कि आज पूरे देशवासी अपने देश में बनाई हुई सामग्री पर गर्व करते हैं। पहले व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद
विदेश में नौकरी करे तो घर का अनुभव करना पड़ता, लेकिन आज स्थिति परिवर्तित हो गई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण, उनके प्रोत्साहन के कारण, हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत के कारण, जो आज अमेरिका में रह रहा है वह भी सोच रहा है कि हम अमेरिका से जाकर हिंदुस्तान में अपनी सरजमीन पर कोई काम करें। इंडिया होता है तो वो उस पर गर्व है। जब प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो ये आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं है, कभी नारा हुआ करता होगा, कभी ये शब्द हुआ करता होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भरता को जीने का काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत में है, लेकिन भारत में तब तो रेल की बोगी अपने दम पर चलती थी, रेल के इंजन का तो सवाल ही नहीं हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही तो आज जो वंदे भारत रेल कानपुर से निकल रही है वह पूरी की पूरी देख लीजिए है। अब सिर्फ ये उदाहरण के लिए नहीं है, उल्लेख करने के लिए नहीं है, वॉल्यूम इतना है कि हर हफ्ते एक नई ट्रेन बनकर पटरी पर आ रही है। यह एक उत्पादन की व्यवस्था है। एक समय रक्षण उपकरण चाहे वो प्लेन हो, चाहे पनडुब्बी हो, चाहे अन्य प्रकार का हथियार हो, इन सबके लिए हम इंपोर्ट पर निर्भर करते थे और उसमें दुनिया भर के घोटाले होते भी होते रहते थे। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की तैयारी के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी के विश्व की नेतृत्व में रक्षा के उपकरण भी भारत में बनाए जाने लगे हैं और आत्मनिर्भर भी है और रक्षा उपकरण की दृष्टि से एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री भी भारत बन गया है। वह हमारी सबसे बड़ी सफलता है। पिछले बार आप सब लोगों को ध्यान होगा जब इसरो चंद्रयान का प्रयोग कर रहा था तो पिछले बार चंद्रयान टू पर प्रधानमंत्री जी एस श्रीवास था, वहां सारे वैज्ञानिकों से साथ रात भर बैठे, लेकिन पिछले बार थोड़ी सी चूक हो गई, मामला फिसल गया। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा तो पहली बार तो इसरो के डॉक्टर बैठता लगे और अगर वो बैठता भी और चंद्रयान लैंड नहीं कर पाए तो कहते हैं भाई सब आओ जरा समीक्षा करना है, क्यों चूक हुई, कैसे चूक हुई, पूरे देश की बदनामी करा दी तुम लोगों ने। लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरी रात बैठे, हर जिले से दो दो चार चार बच्चे बुलाए गए थे, बच्चों के साथ बैठे, वैज्ञानिकों के साथ बैठे और जैसे मामला गड़बड़ हुआ एक घंटा के लिए गए और फौरन इस आए और उन्होंने सारे वैज्ञानिकों बच्चों के साथ बैठकर उनको प्रोत्साहित करने का आराम किया और उन्होंने एक ही लाइन बोली, सफलता से पूर्व की सीढ़ी असफलता होती है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। अगला प्रयास करना चाहिए
और निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम छुएगी। और आप सबने देखा कि पुनः प्रयत्न हुआ, नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि थी, उन्होंने वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ा दिया और चढ़ते आमदन दक्षिणी ध्रुव पर सफलता पूर्वक संगठन चलते सारी दुनिया में मान बढ़ाने का काम किया। आप सब लोग के मिलने वाले भी विदेश से रहते होंगे, आप सब लोगों की उनसे बात होती ही होगी। 2014 से पहले विदेश से रहने वाले भारतीय को बहुत सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन आज विदेश में जो भारतीय रहना है वो इंडियन है, ये उसके सम्मान का सुबल बन गया। यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ और उस समय हमारे 14,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे थे। रशिया तो हमारा मित्र था, लेकिन यूक्रेन हमारा हमेशा से विरोधी राष्ट्र रहा है। जब भी हिंदुस्तान की बात करती है उसने हमारे खिलाफ ही मतदान किया, लेकिन हमारे 14,000 बच्चे फंसे हैं, फंसे तो दूसरे देशों के भी थे, किसी की हिम्मत नहीं थी बात करने की। देखा हमारे प्रधानमंत्री ने दोनों देश के प्रधानमंत्रियों को भारत की युद्ध विराम का आग्रह किया, युद्ध विराम हुआ और हमारे 14,000 बच्चे निकले और सिर्फ हमारे ही निकले थे। जब बच्चों को यह मालूम पड़ा तिरंगा झंडा हाथ में होगा तो कोई रोकेगा नहीं, तो दुनिया के तमाम सारे देशों के बच्चे आखिर तिरंगा लेकर निकले और ये हमारे प्रधानमंत्री जी के सबसे तो रिजनली नेतृत्व का परिचय है। आज सैकड़ों की बात होती है, मैं ये धर्म के साथ कह सकता हूँ कि पहले एक समय था जब हमारे देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री ये बोलते थे कि अब 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो गांव में जाते जाते 15 रुपये से ले जाते हैं। आप लोगों को अंदाज नहीं होगा, ये 9 सालों में 53 विभागों के माध्यम से डीबीटी प्रोसेस को अपना कर 25 लाख करोड़ रुपया देश की जनता के खाते में जमा कर दिया। कोई एक प्रश्न नहीं है, कोई दलाल नहीं है, कोई कमीशन एजेंट नहीं है। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात के आग्रही रहे कि कैसे ट्रांजेक्शन बढ़ना चाहिए। आज बच्चे हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन करते ही हैं, पुरानी पीढ़ी के लोगों को करना जरूरी नहीं आता, तो सब ऑनलाइन खरीद कर रहे हैं आजकल। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही थी तो लोग कहते थे कैसे होगा, नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, भारत की बढ़ती हुई ताकत और प्रतिष्ठा का वो परिचय है कैसे ट्रांजिशन जहां भारत से उम्मीद नहीं की जाती थी, हमारे ही लोग उम्मीद नहीं करते थे, दुनिया के लोग तो उम्मीद कर ही क्योंकि हमारे ही लोग राजी नहीं थे। लेकिन अमेरिका हमसे ज्यादा संपन्न देश है, हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में संपन्न है, जापान और जर्मनी भी टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है। लेकिन आज कैसे ट्रांजेक्शन में भारत अमेरिका जर्मन और जापान तीनों कंपनियों में जितना कैसे ट्रांजेक्शन है उसमें भारत का अकेले का उससे ज्यादा है। अब अमेरिका जर्मन और जापान जब ये देखते हैं कि कैसे ट्रांजेक्शन भारत में इतना कैसे बढ़ गया कि हमको ही मात दे दी,
तो स्वाभाविक रूप से उनको लगेगा ही कि भारत कहीं ना कहीं हमसे आगे बढ़ रहा है, और ये आगे कोई भी देश तब बढ़ता है जब उस देश के नेतृत्व तो को अपनी रियासत पर और अपनी खूबियों पर गर्व। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई बड़ा आय का स्रोत खड़ा नहीं हुआ, वही देश, वही कारखाने, वही माइंस, वही आय के अन्य स्रोत भी। लेकिन आप सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, साधन बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान है कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब एक एक सोलह देश, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और सुषमा स्वराज जी हेल्थ मिनिस्टर थी, तो इन लोगों ने कहा 120 का फैलाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का एक एम्स पूरे हिंदुस्तान का बोझ नहीं संभाल सकता। तो उनके समय में चार एम्स बन रहे थे, जिसमें एक भोपाल का भी था। तो आप समझो कि वाजपेयी जी 2004 में प्रधानमंत्री थे, तो आजादी से लेकर 2004 तक 5 एम्स थे, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में आज 22 एम्स में काम कर रहा है। हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जब हम अपने भीतर मेहनत और स्वार्थ को तिरोहित कर देते हैं, तो देश के बारे में सोचने का जज्बा हमारे हृदय में जागता है, और जब ये जज्बा जागता है तो मन की बात जैसे कार्यक्रम खड़े होते हैं, मन की बात जैसे कार्यक्रम खड़े होते हैं, तो उसमें से देश प्रोत्साहित होता है, और जब देश प्रोत्साहित होकर कदम से कदम और कदम से कदम मिलाता है, तो फिर भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मन की बात को लेकर उन्होंने सेमिनार आयोजित किया। इस कार्यक्रम में एनआईए भी जुड़े हुए हैं, ये कार्यक्रम रात और दिन संचालित हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये 100 घंटे की मेहनत अपने हर पैर दुनिया में एक रिकॉर्ड हासिल करेगी, और एक अच्छा संदेश हमारे बच्चों को भी और देशवासियों को देने में सफल होगी। आपके इस अभिनव कार्यक्रम के लिए और इस विजनरी दिमाग के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत सारी टीम का अभिनंदन करता हूँ, और विजनरी इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए आपने आमंत्रित किया, इसके लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भारत माता जी।